एनएम मिठीबाई एडमिशन 2023 फाइनली शुरू हो चुके हैं 15th of July, विच वॉज येस्टरडे. सीयूईटी का स्कोर आ चुका है. नाउ गाइस, व्हेन यू टॉक अबाउट कि कितने स्कोर आपको लाने होंगे टू गेट एडमिशन इन एनएम मिठीबाई, आई टेल यू दैट ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली कि कितने स्कोर आने चाहिए प्लस योर 12th स्टैंडर्ड का मार्क्स, बिकॉज ये 50-50 स्कोरिंग पे हो रहा है. अनलाइक डीयू का कंप्लीटली अलग प्रोसेस है, बट एनएम मिठीबाई का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है. ओनली जनरल टेस्ट आपको देना था. नाउ एप्लीकेशन प्रोसेस आप कैसे करोगे, जैसे कि एबीसी आईडी मैंडेटरी है, एमयू प्री एनरोलमेंट मैंडेटरी है, वो सब चीजें आई विल टेल यू इन डिटेल. सो गाइस, मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so do subscribe. आई एम श्योर आप सभी ने अपना सीयूईटी स्कोर चेक कर लिया होगा. अब सीयूईटी स्कोर चेक करने के टाइम बहुत सारा कन्फ्यूजन, बिकॉज जैसे कि मैं ऑनलाइन भी देख रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेके इतने सारे वीडियोज़ हैं कैसे स्कोर कार्ड चेक करना है, क्या करना है. तो यहाँ पे जब आप अपना स्कोर देख रहे हो, एक रॉ स्कोर होगा, एक नॉर्मलाइज स्कोर होगा और एक परसेंटाइल होगा. सो नाउ अकॉर्डिंग टू एनएम मिठीबाई का एडमिशन प्रोसेस जो है, आपको अपना नॉर्मलाइज स्कोर चेक करना है, बिकॉज परसेंटाइल वो नहीं देख रहे हैं और आपका जो रॉ स्कोर है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा. बट आप अपने इवैल्यूएशन के लिए अपना रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर दोनों चेक कर लेना, सो दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ऑल्सो गाइज, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो कि आपका रॉ स्कोर ज़्यादा है कि आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो ज़्यादा है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली एडमिशन इन एनएम एंड मिठीबाई, तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर एंड आपका जो 12वीं का मार्क्स है वो दोनों का मिला के जो आपका एग्रीगेट बन रहा है उसके परसेंटेज पे आपका कट ऑफ लगने वाला है. आई होप गाइज दिस इज क्लियर. प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो कि ये आपको क्लियर हो गया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस. नाउ इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई इन एनएम एंड मिठीबाई, आपको कौन से पोर्टल पे जाना है, क्या क्या चीजें एंटर करना है, तो अभी हम पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं. देन आफ्टर दैट आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस. मिठीबाई के वेबसाइट पे जाके ये सेकंड जो लिंक है फॉर एकेडमिक ईयर 2023 आपको क्लिक करना है. क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ. लॉगिन आईडी आपको खुद क्रिएट करना है. सो इन दिस केस यू कैन राइट लाइक फॉर एग्जांपल पूजा गुप्ता, सो आई कैन पुट PG2065, दैट विल बी माय यूजर नेम. सो इट्स अ यूजर नेम दैट यू हैव टू क्रिएट. डिटेल्स डाल के फिनिश का ऑप्शन क्लिक करो. फिर सेम यूजर आईडी आपने जो बनाई है वो डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है. फिर आपको यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करना है. आई सिलेक्टेड एनएम कॉलेज एंड बैफ इज द कोर्स. योर और सेशन तो डिफॉल्ट रहेगा, सो यू सिलेक्ट वट एवर ऑप्शन इज गिवन टू यू एंड अप्लाई. इसके बाद आपको फॉर्म ओपन होगा. यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपका 12th के रिलेटेड एवरीथिंग यू हैव टू फिल. प्रेफरेंस यू हैव टू सिलेक्ट विच कॉलेज यू आर प्रेफरिंग फर्स्ट एंड द एनरोलमेंट नंबर एज मैम सेड इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द वीडियो दैट आपको वो मैंडेटरी डालना है. इसके बाद वाले सेक्शन में आपका नॉर्मल डिटेल्स है, ब्लड ग्रुप वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग यू हैव टू फिल दैट. एंड व्हेन इट कम्स टू योर फोटो एंड सिग्नेचर सेक्शन, आपको डाइमेंशंस, फाइल साइज, फाइल टाइप सब मेंशनड है, उस हिसाब से ही अपलोड करके प्रोसीड द फॉर्म. आपका 10th और 12th का डिटेल्स फिर से नीचे मांगेंगे, सो वो फिल करना है. गाइस, आफ्टर दिस माय टीम वाज नॉट एबल टू प्रोसेस द फॉर्म बिकॉज ऑफ द ग्लिच, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है. इसके बाद सिर्फ तीन चीज़ें आपको बचती है. एक है कि एड्रेस आपको एंटर करना है, पेरेंट्स की इनकम डिटेल आपको पूछेंगे और उसके बाद आ जाएगा आपको पेमेंट ऑप्शन. एक बार आपका पेमेंट हो जाएगा 100 रुपीज़ का, तो आपका एप्लीकेशन इज डन. आपको ईमेल पे कंफर्मेशन भी आ जाएगा. सो ये जो पार्ट बचा हुआ है हम अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाए. लॉट ऑफ यू गाइस आर वेटिंग फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस. वीडियो जल्दी डालना था इसलिए हम उसके लिए वेट नहीं कर सकते थे. विल फिनिश दैट प्रोसेस एंड अपलोड इट ऑन अ स्टोरी एंड अलग से वीडियो भी डाल देंगे अगर आपका कहीं पे भी स्टक हो तो. सो नाउ यू हैव सीन स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस. फिर भी अगर आप कहीं स्टक हो रहे हो या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज लेट अस नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो. आई ट्राई टू एड्रेस दैट इशू इन द लाइव सेशन. और एल्स वी आर ट्राइंग टू कीप अ लाइव फॉर्म फिलिंग सेशन फॉर सीयूईटी एनएम मिठीबाई का जो ये पूरा प्रोसेस है उसके लिए भी बहुत ही जल्द इंस्टाग्राम पे अपडेट आ जाएगी. नाउ मूविंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू रिक्वायर फॉर दिस फॉर्म फिलिंग. पहली चीज़ तो आपने देख लिया होगा कि MKCL नंबर, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी का प्री एनरोलमेंट नंबर है, रजिस्ट्रेशन है, वो आपको मैंडेटरी है. अगर आपने नहीं किया है तो पहले MU.AC.IN पे जाके अपना प्री एनरोलमेंट कर लीजिए.
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि एनएम मिठीबाई दोनों ही गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज है, एनएम के नोटिस में क्लियरली लिखा है कि आप जनरल और माइनॉरिटी अलग अलग भरना चाहते हो तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे, मतलब 100 रुपीज ईच फॉर्म में, एक ओपन फॉर्म भरना होगा और एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का. बट अगर आप सिर्फ माइनॉरिटी कोटा में भरना चाहते हो देन ओनली वन फॉर्म इज ओके. सो अगर आप दोनों कैटेगरी में लगाना चाहते हो दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ऑल राइट, सिर्फ अलग अलग फॉर्म आपको भरने. और जब आप कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो हर कोर्स का अलग अलग फॉर्म होगा. सो जब तक आप 100 रुपीज फीस पे नहीं करते हो फॉर वन एप्लीकेशन, जब तक आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है और आपकी मेरिट नहीं लगेगी. जब आपके 100 रुपीज माइनस हो जाएंगे उसके बाद ही आपका जो एप्लीकेशन है वो कंफर्म होता है, बिकॉज सारे ही मैंडेटरी हैशट्रिक जो है जो आपको फॉर्म में भरना है उसके बाद ही आपका पेमेंट आएगा, और पेमेंट होने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट माना जाएगा. ऑल्सो गाइज, ये जो नोटिस अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो आपको ये मिठीबाई के वेबसाइट पे मिल जाएगी. नाउ यहाँ पे 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको ध्यान में रखना है. 10 पॉइंट इस तरीके से दिए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, बट आप एक बार रीड कर लीजिए, ये प्रिंट आउट निकाल के रख लेना तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी जब आप फॉर्म भर रहे होंगे. सेम ये जो दूसरा नोटिस है ये एनएम कॉलेज का नोटिस है. एनएम कॉलेज के नोटिस में कुछ चीज़ें ऐड ऑन दी है, उन्होंने फीस भी मेंशन करी है, उन्होंने ये भी बोला है कि आपका जो एडमिशन है ऑनलाइन जो होगा वो प्रोविजनल एडमिशन होगा जब आपकी मेरिट में नाम आ जाएगी. बट जब तक आप अपने ऑफलाइन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मिठीबाई कॉलेज ने मेंशन नहीं किया. तो दोनों नोटिस आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से. कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताना. आई डू लाइव सेशन ऑल्सो, आप वहां ज्वाइन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड इफ यू आर कंप्लीटली स्टक, नहीं समझ आ रहा कुछ भी, आई डू वन ऑन वन पर्सनल काउंसलिंग सेशन जिसमें आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो. सो ऑन दिस नंबर एक व्हाट्सएप मैसेज करिए, माई टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एंड इज योर डेट्स. नाउ 15 तारीख से, विच वॉज येस्टरडे, 15th ऑफ जुलाई से आपका फॉर्म खुला है और 19 तारीख को 12 बजे तक आपका फॉर्म खुला रहेगा. सो यू हैव टाइम टिल 19th ऑफ जुलाई तक आप ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कर सकते हो. तो प्लीज़ कुछ भी रश मत करिए, आराम से सारे डॉक्यूमेंट देखिए, आराम से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस करिए. हमने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है तो वो फॉलो कर लीजिएगा. सो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू एंटर योर टोटल एग्रीगेट मार्क्स, नॉट बेस्ट ऑफ 5. ये भी मिठीबाई ने मेंशन किया है. तो बेस्ट ऑफ 5 आपको कहीं पे भी नहीं डालना है, ना ही एनएम में ना ही मिठीबाई में. आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी 21st ऑफ जुलाई एट 7 PM और सेकेंड लिस्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है. जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको बता देंगे, बट जहां तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है 21st ऑफ जुलाई का जो लिस्ट आएगी उसके बाद जो भी एडमिशन कैंसिलेशन होगा वो 26 के बाद, लाइक 22nd से लेकर 26th ऑफ जुलाई तक आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चलेगा. मतलब कि 21st को जितने भी बच्चों का नाम लिस्ट में आता है उन्हें 22 से लेकर 26 तक का टाइम होगा कॉलेज आके डॉक्यूमेंटेशन का करने के लिए. सो अगर आप मुंबई से नहीं हो तो आपको प्रिपेयर होना है कि भाई 22nd से लेकर 26 के बीच में आपको मुंबई आना पड़ सकता है. नाउ व्हेन यू डू योर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, उसके बाद अगर समझो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो सेकंड लिस्ट आएगी क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. बिकॉज जो सेकंड लिस्ट या फिर जो सेकंड चांस मिलेगा बच्चों को, या तो वो वेटिंग लिस्ट निकालेंगे या तो वो पर्सनली जो भी 5-6 सीटें बची होगी वो पर्सनली आपको मेल या मैसेज पे भेजेंगे कि दैट योर एडमिशन हैव बीन कंसिडर्ड. वो कब होगा, वो आफ्टर 26th ही होगा. Also guys, for the donation seat or say management seat, इसके लिए I know a lot of parents have inquired this in counseling session also. मेरा इतना बोलना है कि अगर आपको कॉलेज कुछ डायरेक्टली बोल रहा है तभी आप बात मानिए. बिफोर यू गेट एनी रिटन डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी ऑफ द एजेंट और अ मिडल मैन, डू नॉट बिलीव और पे मनी टू एनी रैंडम पर्सन, बिकॉज कॉलेज ऑफिशियली बोल रहा है हम नहीं ले रहे. तो अगर आप जिसके भी वाया करा रहे हो डोनेशन या मैनेजमेंट सीट, जो कि होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, बट जिससे भी आप करा रहे हो आपका एडमिशन होने के बाद ही पैसे दीजिएगा. बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस जहां पे लोगों ने पैसे भरे हैं बट उनका एडमिशन नहीं हुआ है. सो डोनेशन और मैनेजमेंट सीट के लिए आपकी चॉइस होगी. आई पर्सनली वुड नॉट रेकमेंड दैट गो टू एनी अदर कॉलेज एंड आप मास्टर्स या MBA में उतने पैसे डाल दीजिए. बट दिस डोनेशन सीट अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन इज नॉट वर्थ इट. बट अगर आपको कराना ही है तो आप कर सकते हैं, बट ट्रस्टेड सोर्स से कीजिए एंड आफ्टर एडमिशन आप पैसे भरिए. आई होप गाइस द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट ऑफ सच इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स ऑन मीडिया मेंटेड. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.